दशा अवतार, एक ऐसा शो जहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा आज का मॉडर्न साइंस हमारे पुराने वेदों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि दशा अवतार एक्चुअल में है क्या। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार जब जब सृष्टि पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर गया है, तब तक भगवान विष्णु ने मनु यानी हमारी रक्षा के लिए इस सृष्टि पर अवतार लिया है। शायद ही लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण, श्री राम, परशुराम और गौतम बुद्ध, ये सभी इन्हीं 10 अवतार के अंदर आते हैं। जब हमने दशा अवतार पर रिसर्च करना स्टार्ट की, तब हमारे सामने कुछ ऐसी थ्योरीज आई जिनसे हमें पता चला कि आज का मॉडर्न साइंस किस तरह से हमारे वेदों पर आधारित है। इन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले पानी में हुई थी। उसके बाद वही जीव पानी और जमीन दोनों पर रहने लगे। आने वाले समय पर जब वो विकसित हुए तो पूरी तरह जमीन पर आ गए। समय बीतता गया, वो जीव विकसित होते गए, उसके बाद में आज जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण आज हम खुद हैं। दशा अवतार के 5 पहले अवतारों को अगर सीक्वेंस में रखा जाए तो डार्विन्स की थ्योरी से ये पूरी तरह मैच करते हैं। अगर हम दशा अवतार के सबसे पहले अवतार को हम देखते हैं तो वो था मत्स्य अवतार। कहा जाता है कि महायुग के अंत में जब पूरी सृष्टि पानी में डूब चुकी थी, तब मनु यानी हमारी रक्षा के लिए महाविष्णु ने एक मछली के रूप में अवतार लिया था और मनु की रक्षा की थी। पर ऐसा क्यों है कि आज की सारी मॉडर्न साइंस की थ्योरीज हमारे वैदिक साइंस की थ्योरीज से पूरी तरह से रिलेट करती है? यही जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अगले 9 एपिसोड्स तक। फिलहाल के लिए आपके सामने पेश है मत्स्य अवतार। ये हमारे शो दशा अवतार का पहला एपिसोड था, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसे काफी सिंप्लीफाइड रखा गया है ताकि आप समझ पाए कि दशा अवतार शो एक्चुअल में है क्या। अगला एपिसोड रिलीज होने वाला है नेक्स्ट संडे, तब तक बने रहिए।